हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की रेनबो से लेसन नंबर 10 इन द पार्क को पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। लेसन 10 इन द पार्क। पार्क का अर्थ होता है उद्यान। बच्चों, गांव में तो बहुत खुली जगह होती हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे, बगीचे इस तरह के होते हैं, पर शहरी क्षेत्रों में खुला स्थान या पेड़ पौधों की संख्या कम होती है। वहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी स्थान नहीं होता, इसलिए ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा सा खाली स्थान होता है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर बच्चों के खेलने के लिए स्थान बना दिया जाता है। इसे पार्क या उद्यान कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पार्ट को हम पढ़ते हैं। वंस, एक बार, आलोक विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ डिसाइडेड, निश्चित किया, टू स्पेंड सम टाइम। स्पेंड का अर्थ है खर्च करना या व्यतीत करना, सम टाइम कुछ समय, इन एन ओपन ग्रीन प्लेस। ओपन यानी खुला, ग्रीन प्लेस हरा स्थान, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हरियाली हो। आलोक ने अपने दोस्तों के साथ यह निश्चित किया कि कुछ समय बिताया जाए ऐसी जगह पर जो हरा भरा हो। सो दे वेंट टू ए पार्क टू इंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्व्स। सो इसलिए दे वेंट, वे गए टू ए पार्क, एक उद्यान में, टू इंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्व। रिफ्रेश का अर्थ है तरोताजा महसूस करने के लिए। दे सा, उन्होंने देखा, ए फ्यू कुछ पीपल सिटिंग ऑन द बेंचेस वाइल अदर रिलैक्सिंग अंडर द ट्रीज। दे सा, उन्होंने देखा, ए फ्यू पीपल कुछ लोगों को सिटिंग बैठे हुए ऑन द बेंचेस बेंच पर, उन्होंने कुछ लोगों को बेंच पर बैठे हुए देखा। वाइल जबकि, अदर्स रिलैक्सिंग अंडर द ट्री जबकि अन्य पेड़ के नीचे रिलैक्स आराम कर रहे थे। सम एल्डरली पीपल वेयर सिटिंग इन ए सर्कल एंड डूइंग योगा। सम एल्डरली, एल्डरली का अर्थ है बच्चों वृद्ध या बुजुर्ग। कुछ बुजुर्ग पीपल व्यक्ति वेयर सिटिंग इन ए सर्कल एक गोले में बैठे हुए थे। सर्कल का अर्थ है वृत्त, यानी एक गोले में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। एंड डूइंग योगा, और योगा कर रहे थे। बच्चों, आप भी योगासन करते हैं, ताड़ासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, इसी तरह वो बुजुर्ग भी योगा कर रहे थे। देयर वाज ग्रीनरी ऑल अराउंड, वहाँ चारों तरफ ग्रीनरी हरियाली थी। इट वाज फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड क्रीपर्स विच वेयर फिल्ड विथ ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स। इट वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट्स, यह फुल भरा हुआ था ब्यूटीफुल खूबसूरत पौधों से। एंड क्रीपर्स, क्रीपर्स का अर्थ है बच्चों लता। आप देखते हैं ना, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो दूसरे पेड़ों का सहारा लेकर या झाड़ियों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, जैसे लौकी या इसी तरह की अन्य लताएं होती हैं, जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, ये सब बच्चों क्रीपर्स होते हैं। विच वेयर फिल्ड विथ ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स, तो ये जो लताएं थी भरी हुई थी किससे, खूबसूरत सीजनल मौसमी फूलों से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आलोक एंड हिज फ्रेंड्स सा ए चिल्ड्रेंस कॉर्नर। आलोक और उसके दोस्तों ने देखा, सा मतलब देखा, ए चिल्ड्रेंस कॉर्नर बच्चों का कोना, वेयर जहाँ, चिल्ड्रेन वेयर इंजॉइंग देयर राइड्स, बच्चे अपने अपने मतलब राइड्स का अर्थ है बच्चों यहाँ पे झूला झूल रहे थे। दे आल्सो ज्वाइन देम, उन्होंने उनको ज्वाइन किया, यानी वो भी वहाँ गए। एंड स्लाइड डाउन द स्लाइड, और जो स्लाइड डाउन है यानी जो बच्चों फिसलने वाली जो होती है जिसपे बच्चे चढ़कर दूसरी तरफ फिसलते हैं, उन्होंने उस पर स्लाइड किया, फिसले। दे स्वैंग ऑन द स्विंग, उन्होंने स्वैंग झूला, झूला कहाँ पर, झूले पे, उन्होंने झूले पर झूला झूला। दे वेंट राउंड एंड राउंड ऑन द मैरी गो राउंड,
बच्चों उन्होंने राउंड एंड राउंड गोल गोल घूमे, कहाँ पर? मैरी गो राउंड पे। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं चित्र में एक राउंड बना हुआ है जिस पर बच्चे चढ़कर पैर से गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। इस पर उन्होंने एंजॉय किया। दे आल्सो वेंट अप एंड डाउन ऑन द सीसा। वे सीसा, सीसा बच्चों एक लकड़ी की ये तख्ती होती है जिस पर दोनों तरफ बच्चे बैठे होते हैं और वो ऊपर नीचे होते हैं, इसे सीसा कहते हैं। दे मेट सेवरल फ्रेंड्स इन द पार्क। दे मेट, वे मिले सेवरल कुछ फ्रेंड्स इन द पार्क, दोस्तों से उस पार्क में। ऑल वेयर रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग, वो सभी चारों तरफ दौड़े और खेल रहे। दे सा मेनी ब्यूटीफुल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, उन्होंने देखा मेनी बहुत सारे ब्यूटीफुल खूबसूरत फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। बच्चों फ्लाइज का अर्थ है यहाँ पर तितलियाँ, मक्खियाँ एंड इंसेक्ट्स कीड़ों से। पेरेंट्स वेयर सिटिंग ऑन द बेंचेस, अभिभावक बेंच पर बैठे हुए थे एंड एंजॉयिंग और इंजॉय कर रहे थे। वाइल द किड्स वेयर प्लेइंग, जबकि बच्चे खेल रहे थे। देयर वेयर मैनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी मीठा गाना गा रहे थे। दे वेयर वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न थे। दैट द पार्क वॉज नियर टू देयर हाउसेस, जो कि पार्क उनके घर के पास है। दे जस्ट लव गोइंग टू द पार्क विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन्हें पसंद आया क्या पार्क में जाना अपने दोस्तों और परिवार के साथ। तो बच्चों ये आपका पार्ट है, ठीक है। आइए अब इसके न्यू वर्ड्स को देखते हैं। न्यू वर्ड्स में है क्रीपर, जिसका अर्थ है बेल या लता। राइड्स, मनोरंजन पार्क में झूले। स्लाइड्स, फिसलने वाला झूला। स्विंग, झूलने वाला झूला। मैरी गो राउंड, गोल घूमने वाला झूला। शीशा, झूला पट्टी, ठीक है। बच्चों आइए अब हम कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, वेयर डिड आलोक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो। आंसर, आलोक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू वेंट टू द पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी टू राइड्स विच यू फाइंड इन द पार्क। आंसर, स्विंग एंड मैरी गो राउंड। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द थिंग्स विच कैन बी सीन इन द पार्क। आंसर, प्लांट्स, फ्लावर्स, क्रीपर्स, बेंचेस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड चिल्ड्रेंस कॉर्नर आर द थिंग्स दैट कैन बी सीन इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर द किड्स डूइंग इन द पार्क। आंसर, किड्स वेयर रनिंग एंड प्लेइंग इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू चिल्ड्रेन लव टू विजिट ए पार्क। आंसर, चिल्ड्रेन लव्स टू विजिट ए पार्क बिकॉज इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी, देयर वाज स्पेस फॉर चिल्ड्रेन टू रनिंग एंड प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इन द पार्क। इसमें बच्चों चार ऑप्शन हैं, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड एनिमल। तो बच्चों यहाँ पर बर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका ये पार्ट समाप्त हो गया। धन्यवाद।